एक रासायनिक परिवर्तन को देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसमें अत्यधिक पदार्थ में क्या है, ये हमने क्या लिया है, सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट का कलर आपको दिख रहा है बच्चों को, हाँ ठीक है, ब्लू कलर, इसको मिलाओ, बताइए इसको मिलाओ, ठीक है, सारा मिला दिया। अब अपने क्या बना दिया, कॉपर को, कॉपर सल्फेट को किसमें डाल दिया, पानी में, पानी जल में, तो कॉपर सल्फेट का जली विलयन बन गया, क्या बन गया, जली विलयन, जैसा आपका प्रयोग के अंदर है ना, किताब के अंदर, ये वाला हम कर रहे हैं प्रयोग, ठीक है, ये वाला प्रयोग। तो अब हम करते हैं इसके अंदर कोई वस्तु डालते हैं, है ना, लोहे की किल्ली, इसके अंदर हिलाओ उसको, किल्ली से हिलाओ, गिर दे, हिलाओ उसको, अब इस खिल्ली को इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है, ये खिल्ली इसके अंदर है। अब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इसका रंग बदलेगा या नहीं बदलेगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जो कॉपर सल्फेट है उसका रंग हो जाएगा इस तरह से, जो पहले विलयन नीला था अब उसका रंग कैसा हो गया, हरा हो गया, ठीक है। और इसमें हमने जो खिल्ली डाली थी उसको निकालो, अब उसका रंग कैसा हो गया देखो, काला है ना, बिल्कुल उसके ऊपर कॉपर की परत और एक तरह से जंग लग गया, क्या लग गया है, जंग। अब आप मुझे बताओ इस खिल्ली को पहले जैसी चमकदार कर सकते हो, वापस हो जाएगी चमकदार, नहीं होगी ना, तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप, तो देखिए अगर हम प्रयोग स्टार्ट करते हैं तो शुरू में कॉपर सल्फेट का विलयन होता है इस तरह से नीले रंग का, और उसमें हमने खिल्ली डाली है, उस पर अब थोड़ा सा जंग लगना, रासायनिक क्रिया शुरू हो गई है, ठीक है। और अगर हम उसको थोड़ी देर रहने देते हैं तो उसका रंग इस तरह से विलयन का रंग हो जाता है हरा, ठीक है। तो ये परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है।